ये था कि ये घर की बाजू में मेरी एक और एक डेरा है, उसमें एक आंचल महंत रहती हैं, आजी हैं, आंचल आजी हैं। वो उसका एक चेला था, उसका नाम था निशा। वो उसके साथ लड़के तो 18 साल से रह रही थी उसके पास। ये बहुत बार आंचल ने उसको निकाल दिया करता था, तो वो और कहीं कहीं जाती थी। इस बार मेरे घर में आ गई, तो मैंने अपने रख ली उसे अपने पास में। बोली चलो सहारा दे दिए, किन्नर है, किन्नर किन्नर को सहारा देगा। तो रख लिए। तो फिर बाद में आंचल ने क्या किया, तो ये 25 लोगों को लेके आया साथ में, जो डोडो माजरे में रहते हैं। डोडो माजरे में जो रहते हैं, मीना जी हैं, सोनाक्षी हैं, रवीना है, तमन्ना है, बंटी हैं और सिमरन है, और उनके साथ साथ और भी 20-25 लोग आए थे। सब अलग तरीके के थे वो सब। तो सबको लेके आगे 20-25 लोगों को कल 6:30 बजे, मुझे लगता है 6:30-7 बजे के बीच में आगे आके उन्होंने बिल्कुल बात करते 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 उन्होंने आमला बोल दिए मेरे को। मुझे तो ऐसे थप्पड़ मारे, देखिए कैसे लाम लगे। तो मैंने उसके साथ साथ मेरे को भी मारे उन्होंने, तो उसके साथ साथ मेरे बच्चों को भी मारे, 2 बच्चों को मारे। तो फिर बाद में मैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट करवा के फिर बाद में मैंने भी अपनी तरफ से मैं अपना कंप्लेंट दे रखी थी, और एक दिन पहले भी मैंने अपना निशा ने भी अपना कंप्लेंट जब आप दी पर थी। हमला हुआ तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ जी, मैंने 112 नंबर मिला दी, ताकि उससे ताकि हमने 2 दिन पहले हमने कंप्लेंट दे के आए थे। निशा ने अपने गुरु के ऊपर, जो आंचल के ऊपर कंप्लेंट दे के आए थे, तो उसके दूसरे दिन ही मॉर्निंग मॉर्निंग पुलिस आए थे, आके पूछा गया था, मैं सब कुछ करा गया था। मगर मैंने क्या बोली थी उनको, सर एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा ये घर का मामला है, शायद क्या पता वो लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए आ जाए बोल के मैंने सोची थी। मगर उन्होंने अपने आप उन्होंने फ़ोन किए थे मुझे, आंचल ने और ये मीना जी ने फ़ोन किए थे, बेटा हम 5-6 जन आएंगे अपना, तो उसको भेज दियो हमारे साथ। मैं बोले चलो आज अगर वो आना चाहती है निशा तो ले जाओ आके। तो उन्होंने 5-6 जन नहीं है, उन्होंने आज आना था, आज की बात था सोमवार का, तो उन्होंने कल शाम को आ गए, आइतवार शाम को आ गए, 6:30-7 बजे आ गए, 25-30 लोग आ गए। आके मुझे थप्पड़ मारे उन्होंने, बहुत आधा बहुत बहुत लड़के गए यहाँ से, तो बहुत पूरा जम हमारा नुकसान करके गए। एक तो मेरा दरवाज़ा तोड़ के गए और मेरे 2 बच्चे को भी मार के गए, और उसके साथ साथ हमने कंप्लेंट भी दी मैंने 25 लोगों के नाम पे मैंने। तो पुलिस ने बस अपना देख रहे, आगे पीछे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, उसके साथ साथ मेरे तो मेरे नुकसान तो मेरे जान का भी मेरे नुकसान करने आए थे, साथ साथ में मेरे माल का भी नुकसान करके गए। मेरे एक चैन भी ले गए उन्होंने, कम से कम 10 तोले की चैन मेरा ले गए। उन्होंने कह रहे कि अभी कल 1 बजे बुला रखे मैं, कल 1 बजे बुला रखे, आज भी बुलाए थे। आज तो उसका गुरु चेला का सुलह हो गया, आंचल जी का आंचल का और उसके चेले का हो गया। तो चेले कहता है कि मैं अभी अपने गुरु के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपनी माँ के यहाँ कहीं भी चले जाऊँगी। बोल के चलो उनका सुलह हो गया। मगर इनका 25 जन जो आए थे उसके साथ आंचल ने जो लेके आया था, जो वो नहीं आए थे आज, उनको कल बुलाया गया है। देखूँगी मैं कितना उम्मीद रखूँगी कि ताकि हमारे साथ न्याय दिलाया जाए, इंसाफ किया जाए, हमारा मनी माजरे की पुलिस या हमारा चंडीगढ़ की पुलिस।